हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम IIM रायपुर नॉन टीचिंग पोजीशंस रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। IIM रायपुर गैर संकाय कर्मचारी भर्ती की नोटिफिकेशन जारी हुई है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो, आई होप कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, और नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन्स मिलती रहे, ऐसी रिक्रूटमेंट्स के बारे में सबसे पहले खबरें पहुंचती रहे, साथ ही हमें भी थोड़ा मोर बूस्ट मिले और थोड़ा मोर मोटिवेशन मिले। सो लेट्स बैक टू द वीडियो फ्रेंड्स। IIM रायपुर गैर संकाय कर्मचारी भर्ती 2024 रिक्तियों हेतु अधिसूचना आमंत्रित किया गया है, यानी कि इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। IIM रायपुर गैर संकाय कर्मचारी भर्ती 2024 की लास्ट डेट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, इसकी पोस्ट की संख्या, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और इसके अलावा की जो मोर इन्फॉर्मेशन है वो हम इस वीडियो में सारी बताने वाले हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा, तो आपको इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, साथ ही आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं रिक्रूटमेंट की इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, महत्वपूर्ण तिथियाँ है वो कौन सी है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड से मांगे गए हैं, यानी आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 16 अप्रैल 2024 तक भरा जाएगा, यानी फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 अप्रैल 2024 रखी गई है। तो जो भी एप्लीकेंट इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो सभी इस टाइम लिमिट को ध्यान में रखकर, यानी 16 अप्रैल 2024 से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दे, क्योंकि उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऑनलाइन पोर्टल भी बंद कर दिया जाएगा। आगे रिक्रूटमेंट की एज लिमिट देखते हैं फ्रेंड्स। तो इस रिक्रूटमेंट की 3 पोस्ट है, तो हम पोस्ट वाइज एज लिमिट देखें तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है उसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 50 इयर्स रखी गई है, यानी 18 से 50 इयर्स तक के एप्लीकेंट्स इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और जूनियर असिस्टेंट की पोजीशंस है, ये दोनों ही पोजीशंस के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 इयर्स रखी गई है, यानी 40 इयर्स तक के जो एप्लीकेंट्स हैं वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और गवर्नमेंट रूल द्वारा जो आरक्षित वर्ग से बिलोंग करने वाले एप्लीकेंट्स हैं, उन्हें एज लिमिट में जो छूट मिलती है वो भी मिलेगी। अब रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन फीस के बारे में जाने फ्रेंड्स, कि इस रिक्रूटमेंट के लिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे तो वहां पर कितनी फीस पे करनी रहेगी, आवेदन फॉर्म शुल्क कितना होगा उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए सभी एप्लीकेंट्स के लिए एप्लीकेशन फीस बिल्कुल निःशुल्क रखी गई है, यानी इसमें कोई भी एप्लीकेशन फीस का पेमेंट आपको नहीं करना रहेगा, चाहे वो फिर कोई भी कैटेगरी के एप्लीकेंट्स हो, सभी कैटेगरी के लिए इस रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशन फीस निःशुल्क रखा गया है। जानते हैं फ्रेंड्स अब पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सैलरी और रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस के बारे में, यानी इस रिक्रूटमेंट में जो 3 पोस्ट है, 3 पोजीशंस है, उन तीनों पोजीशंस के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग रखी गई है, यानी शैक्षणिक योग्यता, साथ ही उनकी सैलरी कितनी रहेगी वो, और रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस कितना रहेगा उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के बारे में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो पोजीशन है उसमें सिलेक्ट होने वाले एप्लीकेंट्स की मंथली सैलरी लेवल 10 के तहत 56,100 रुपीज रहेगी। उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन PG डिग्री विथ मिनिमम 60% फ्रॉम UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से, ये क्वालिफिकेशन उनकी होनी चाहिए, यानी फ्रेंड्स 60% मार्क्स से PG डिग्री पास हुआ होना चाहिए, मिनिमम 60% उनकी होनी चाहिए, तो ही वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
साथ ही फ्रेंड्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड के बारे में बात करें तो मिनिमम 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस उनको इस पोजीशन पे होना चाहिए। ये जो पोजीशन है उसके लिए वो 8 ईयर्स तक काम कर चुके हुए होने चाहिए तो ही वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे पोस्ट के बारे में जानते हैं कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो पोजीशन है उसके सैलरी के बारे में जाने तो फ्रेंड्स उसकी मंथली सैलरी लेवल 6 के तहत 35,400 रुपीस से स्टार्ट होने वाली है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए, इस पोजीशन के लिए जो एप्लीकेंट सिलेक्ट होंगे उनकी सैलरी 35,400 रुपीस तक की होगी। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम 60% इन ग्रेजुएशन मांगा गया है, यानी आपको अपना ग्रेजुएशन पास 60% से होना चाहिए किसी एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी से तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको मिनिमम 3 ईयर्स का इस पोस्ट पर एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब फ्रेंड थर्ड पोजीशन के बारे में जानते हैं, जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक। इस पोजीशन की सैलरी जाने तो लेवल 2 के तहत इस रिक्रूटमेंट में सिलेक्ट होने वाले एप्लीकेंट्स को 90,900 रुपीस सैलरी मिलेगी। साथ ही उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जाने तो एप्लीकेंट्स मिनिमम 55% के साथ 12th पास होने चाहिए किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा तो ही वो अप्लाई कर सकते हैं। और अब इस पोस्ट की एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस एप्लीकेंट को इस पोजीशन के लिए होना चाहिए। इस पोजीशन पर उन्होंने 2 ईयर्स तक काम किया होना चाहिए तो ही वो अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं फ्रेंड्स एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, यानी ये जो रिक्रूटमेंट है इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में जाने। तो एप्लीकेंट्स को इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। तो जिन एप्लीकेंट्स को नहीं पता है कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है तो वो हमारे बताए ये स्टेप्स को फॉलो करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जानते हैं स्टेप्स। सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई लिंक पर आपको क्लिक कर लेना है। ये ऑनलाइन अप्लाई लिंक हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी देंगे तो आप वहां से नोट कर सकते हैं। फिर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे आपको डाउनलोड कर लेना है और उसमें दिया गया जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से चेक कर लेना है। फिर आपकी क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट की क्वालिफिकेशन से मैच है और आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई ऑनलाइन की लिंक पर जाना है। तो आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से भर लेनी है। उसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी गई होगी, जैसे आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी बर्थ डेट, आपकी ईमेल, मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन से जुड़ी सारी जानकारी, ऐसा सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो उसमें पूछा गया होगा। तो सब कुछ आपको सही सही भर लेना है। फिर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए सभी जो स्टेप्स है उन्हें फॉलो करके रजिस्ट्रेशन को पूरा करना है। रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो भी स्कैन की हुई कॉपी आपको अपलोड कर देनी है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको एक बार फिर से अच्छे से चेक कर लेना है कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है। तो सारी जो कॉलम है, सारी लाइन्स है, सब कुछ अच्छे से चेक कर लेना है। फिर इस एप्लीकेशन फॉर्म की एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास जरूर रख लेनी है ताकि इन फ्यूचर वो आपको काम आ सके। और लास्ट में आपको सबमिट कर देना है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। फ्रेंड्स ध्यान रहे कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये 16 अप्रैल 2024 को या उससे पहले जमा कर देना है तो ही वो वैलिड गिना जाएगा और तो ही वो सबमिट अप्लाई होगा। अब जानते हैं फ्रेंड्स रिक्रूटमेंट की इम्पोर्टेंट लिंक्स के बारे में। तो यहाँ पर हमने ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी है, साथ ही अप्लाई ऑनलाइन की लिंक दी है। इस रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है iimraipur.ac.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं।
और ये जो अप्लाई ऑनलाइन की लिंक हमने दी है, ये लिंक पर आप जब जाएंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में सब कुछ सही सही भर के अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, ये दोनों ही लिंक हम हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देंगे, तो आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे ऐसे ही रिक्रूटमेंट्स के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी चैनल से। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और हमारा वीडियो पसंद आया है तो अभी लाइक शेयर कर दें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही रिक्रूटमेंट्स के बारे में हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।